और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं। रायपुर से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कल साई कैबिनेट की बैठक होगी, स्कूल शिक्षा विभाग के मुद्दों पर चर्चा होगी, जहां मुख्यमंत्री साई की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। महानदी भवन स्थित मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहाँ धान खरीदी राज्य उत्सव आयोजन पर फैसला। बैठक में सपा पर नक्सलवाद खत्म करने पुनर्वास नीति पेश करेंगे। जहाँ आपको बताते चले कि 17 अगस्त को पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब कल साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री महानदी भवन स्थित मंत्रालय में जब ये बैठक करेंगे तो धान खरीदी राज्य उत्सव आयोजन पर भी फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पुष्पांजलि, लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पुष्पांजलि, कल साई कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है, यानी कि 20 सितंबर को ये बैठक नवा रायपुर के स्थित महानदी भवन में रखी गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो अभी फिलहाल किसी भी मंत्री के पास नहीं है और मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं, इस पर एक बड़ा फैसला जो है कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। और साथ ही 1 नवंबर को राज्योत्सव यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है, उस दिन को लेकर भी एक बड़ा फैसला या फिर निर्णय लिया जा सकता है और रणनीति बन सकती है कि इस बार राज्योत्सव में क्या कुछ खास रहने वाला है। और वहीं धान खरीदी का भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा कैबिनेट बैठक में। और साथ ही कहा जा रहा है कि नक्सलियों के लिए पुनर्वास जो नीति है वो एक बार पेश की जा सकती है फिर से कैबिनेट की बैठक में। और कल जो बैठक है कैबिनेट की वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के जो जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। वो सभी अपने विचारों को और अपनी नीतियों को रखेंगे, जिससे कि कैबिनेट बैठक में कैबिनेट जो मंत्री हैं, जो प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं उसमें सुधार हो पाए। इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, 17 अगस्त को हुई थी, और बहुत सारे जो निर्णय हैं, अहम निर्णय वो लिए गए थे। अब देखना होगा कि कल की कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि कल की कैबिनेट की बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा। बिल्कुल, यानी कि कल कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संभव है और फैसला भी कल कई मुद्दों पर आ सकता है। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी आपसे आगे अपडेट्स लेंगे।